साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के बाद अब इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। जी हाँ, सूर्य ग्रहण तो भारत में नहीं दिखाता, लेकिन चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा या नहीं, और ये कब और कितने बजे लगेगा, सभी बातों की जानकारी हम आपको अपनी इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ हिमांशी पांडे। इस साल का अक्टूबर महीना दो महत्वपूर्ण खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है। एक घटना है सूर्य ग्रहण जो 14 अक्टूबर को था, और दूसरा है चंद्र ग्रहण जो इसी महीने की 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि को लगेगा। भारत समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से को ये देख सकेगा। 28-29 अक्टूबर की मध्य रात्रि लगने वाला ये चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:32 पर शुरू होकर 29 अक्टूबर की तड़के 3:56 पर समाप्त हो जाएगा। खास बात यह है कि ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा जो भारत समेत एशिया के कई देशों में नजर आएगा। वहीं ये चंद्र ग्रहण भारत और एशिया का एक बड़ा हिस्सा देख सकेगा, लेकिन ये भारत में कहाँ दिखेगा और आखिर इसका समय क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ये ग्रहण आखिर है क्या। हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। जी हाँ, हमारे सौरमंडल में सूर्य अपनी जगह पर है और लगभग हर खगोलीय पिंड इसका चक्कर लगाता रहता है। पृथ्वी और चांद भी एक साथ इसका चक्कर लगाते हैं। हालांकि खास बात ये है कि चांद इस दौरान पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। जब चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। इस प्रक्रिया को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान चांद की एक बड़ी परछाई धरती पर पड़ती है। जिस जगह परछाई पड़ती है सूर्य ग्रहण उन इलाकों में साफ दिखाई देता है। इन जगहों पर सूर्य ग्रहण ढका या फिर आधा ढका हुआ दिखाई देता है। वहीं अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो इसमें चांद, सूर्य और पृथ्वी एक सीध पर नजर आते हैं। जी हाँ, सूर्य और चांद के बीच धरती होती है। धरती की परछाई चांद पर पड़ती है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण की तरह पूरा काला नहीं हो जाता बल्कि इसका रंग लाल दिखाई देता है। वहीं 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि में लगने वाला चंद्र ग्रहण एशिया समेत यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर में भी देखा जा सकेगा। पूरे भारत में भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। हालांकि इसको देखने के लिए आपको देर रात तक जगना पड़ सकता है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरतने की भी जरूरत है, जिन्हें जानना भी आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरतने की भी बात सामने आई है, जिन्हें जानना आप सबके लिए भी बेहद जरूरी है। जी हाँ, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को सूतक और ग्रहण काल में खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इस समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और तेज धार या फिर नुकीली चीजों के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। सूतक के दौरान पके हुए भोजन को ग्रहण समाप्त होने के बाद भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान भी खाना पीना वर्जित माना जाता है। अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा हो तो इसे सूतक लगते ही स्पर्श करने से बचना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आज ही हमारे चैनल जनभावना टाइम्स को सब्सक्राइब करिए।